दिल्ली के राजेंद्र नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे वही राउज एकेडमी है जहां पर 3 बच्चों की मौत हुई है और अब उस दिन के बाद से जो बच्चे हैं करोल बाग के, राजेंद्र नगर के, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं हम सुनने के लिए आए हैं और साथ ही साथ कुछ और भी सवाल है जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनसे हम करना चाहते हैं। सबसे पहले इनकी मांगों की तरफ हम बढ़ेंगे। आपकी क्या मांग है? मैम, हमारी बहुत मांगे हैं, ऐसे तो लिस्ट आपको गिनाया जा सकता है, लेकिन कुछ इमीडिएट इफेक्ट वाली डिमांड्स हैं। जैसे पहली चीज़, जो मृतक के परिवार हैं प्रत्येक परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी डिमांड, MCD आए, बात करे, एक्शन ले, उस पर कार्रवाई की करे, जो भी यहाँ पर डिफॉल्टर थे सब पे कार्रवाई करे। तीसरी डिमांड, यहाँ पर मैम अभी आप 10 मिनट रुकोगे, बारिश होगी, 10 मिनट में ये तालाब बन जाएगा, ये बड़ा बाजार मार्ग, और इससे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट का आना जाना हर रोज़ का है। मैम, ये रोड का सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम शुड बी वेरी गुड, और ये बिल्कुल पुअर है। मैम, इसको सबसे पहली, सबसे बड़ा बड़ी डिमांड है। मैम, दूसरी जो लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड है, मैम हाइड्रेंट्स, आप कहीं भी चले जाइए यहाँ पर आपको PG 20,000-15,000 से नीचे के नहीं मिलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से। मैं भी पता करके आई हूँ, मैंने देखा बहुत सारे ब्रोकर्स के आलिशान ऑफिसेज भी हैं। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग फ्यूचर ऑफिसर्स हो यहाँ पर, आप में से कई लोग बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये जो पूरा मामला हुआ है, आप अगर उस पोजीशन में होते, उस पावर में होते, अगर आप ऑफिसर होते, तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे रिसॉल्व करते? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप यंग हो, यूथ हो, फ्यूचर ऑफ द कंट्री हो, तो व्हाट डज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री थिंक्स, वो कैसे मूव करेगा आगे? आई वांट टू नो दैट। या पहली बात तो आप गलत सवाल पूछ रहे हो, गलत लोगों से पूछ रहे हो। कैसे? ये सवाल आपको अथॉरिटीज से पूछना चाहिए। गाइस, आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आप एस्पिरेंट हो? एक सेकेंड, आप एस्पिरेंट हो? अगेन यार, हाँ या अगर मैं अगर ऑफिसर हूँ तो मेरा पहले यही है, जो काम हुआ है, कांड हुआ है, जो घटना घटी है, उसको मैं तुरंत सही कर दूँ। उसको बाद जो स्टूडेंट लोग को प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अब 100 मीटर की दूरी में प्रोटेस्ट था। मैम, आप तो पता है, आप वीडियो फुटेज देख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्टूडेंट को हौसला दे सकूँ, आप लोग थोड़ी सी सब्र कीजिए, तो मैं इस प्रक्रिया अगर हो जाए तुरंत आ जाएगा। लेकिन डेड बॉडी छुपा रहा है, ये तो कोई ऑफिसर का काम नहीं है। कोई बोल रहा है इंजर्ड, सो मेनी टाइम्स आर कम इन इनसाइड इन एम्बुलेंस, दैट्स वाई वी आर सो पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ना मैम, तो फिर वी आर शॉक्ड व्हाट हैपेंड दैट, बट टिल नाउ नॉट डिक्लेयर्ड एनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हाउ मेनी टाइम्स बिफोर दे आर डेथ एंड how many times they are reported that they are publishing this is the asphyxial death, drowning death. Ma'am, main yahi kehna chahunga, agar us sthiti ko koi agar bada se officer turant kar dete, turant pani ko nikal dete, turant 2 ghante ke andar kar dete, is prakriya ke chalne mein jab pani khatam ho gayi hai, sham se raat 2-3 baje tak chalta raha, to ma'am ye prakriya ko agar turant nahi kar diya jata tha, अगर तुरंत कर दिया जाता था तो तुरंत उसी में कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं होती। मतलब फर्स्ट डे अगर एक्शन ले लिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग कुछ राय पेश करना चाहोगे कि? हाँ बताइए। हम सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे जाके मिलते, स्टूडेंट से मिलते, वहाँ पर जाके उनको सहानुभूति नहीं देते, उनको आश्वासन देते कि आपके द्वारा, हमारे द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हैं उस पर हम माफ़ी मांगते हैं। और दूसरी चीज़ कि जितनी भी आपके डिमांड्स हैं हम उसको एज अ सॉरो बिल्कुल तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट पे। मैम, स्टेक होल्डर से पहले जाके मिलना तो सबसे पहला काम है ना मैम। मैम, बेशर्मों की तरह अपने AC के कमरे में तो नहीं बैठे होते, अगर उस पोस्ट पे अगर होते तो। आगे जाएंगे, I'll return to you, मुझे सबको मौका देना। यस, आपने पूछा कि आप क्या करते रिगार्डिंग द वाटर लॉगिंग। सो ड्यूरिंग द प्री मानसून, जब प्री मानसून होते हैं हमारे पास बहुत टाइम होते हैं, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसमें डीसिल्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब मानसून के टाइम पे अगर ओवरफ्लो भी हो जाते हैं तो वाटर लॉगिंग के कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनते हैं। तो डीसिल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्री मानसून। ऑल म्यूनसिपैलिटीज शुड टेक दिस स्टेप टू डीसिल्टिंग ऑल द ड्रेनेज लाइन ड्यूरिंग द प्री मानसून। आपके जहन में कुछ है, आप कहना चाहोगे कुछ? हाँ, मैं अगर उनकी जगह पर होती तो ऑफकोर्स मैं उनको जो है आश्वासन देकर जाती
क्योंकि सबसे पहले जो दुखद जो खबर होती है और जो विक्टिम की फैमिली होती है और जो एजिटेटेड पार्टीज होती हैं, जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है जैसे कि सर ने पहले बताया, उनको एक आश्वासन की ज़रूरत होती है. वो प्राइमरी स्टेप होता है, दैट इज़ द प्राइमरी केयर विच यू गिव. एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक इफ़ आई एम टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई टेक केयर ऑफ एवरी वंस ग्रीवेंसेस. तो जब मुझे पता है कि लोग जो है इस चीज़ से आहित हो गए, मैं एटलीस्ट वहाँ जाती, मैं देखने की कोशिश करती कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैं उनकी बात सुनती, मैं उनको कम्फर्ट करती. दूसरा, मैं बिल्कुल प्रेशर बनाती, मैं बहुत हाई लॉबी करती, मेरे जो अथॉरिटी में है मैं वो करके यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन लोगों की जितनी भी इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके अगेंस्ट जो है एक्शंस लेती. और जो कॉम्पनसेशन की जो मांग है, जो बच्चों की बिल्कुल जायज़ है, उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई जो है कार्रवाई राव आईएएस स्टडी के अगेंस्ट लेती. ओके, यहाँ पर भी आगे में भी और लोग हैं जो बैठे हुए हैं, आप भी सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट. जी मैम. क्या करते अगर आपको पोजीशन दिया जाता, आप सोचो कि आप ऑफिस घटना के पहले या बाद में? घटना के बाद में, या फिर कैसे अवॉइड करते हैं सिचुएशन? कम से कम आते ऑफिस, अगर मैं ऑफिसर रहता कम से कम आता, ये जो बच्चे बैठे हैं अगर ऐसे, उनसे बात करता, उनकी उनको सांत्वना देता, उनकी बात को आगे ऊपर ऑफिशियल तक पहुंचाता, ना कि ऐसे आके जो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन कर रहा है, रात में धमकाया गया हमें कि FIR हो जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये सब बातें कही गई हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं करता. और मैम, दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो उसके मैं आश्वासन देता. मैम, ऐसे कभी जो इलीगल ये बेसमेंट्स में लाइब्रेरी चलाई जा रही है, दोबारा ना हो, दोबारा किसी नीरज या नवीन की हत्या ना हो इस तरह से ऑफिशियल क्या लूप की वजह से ये दिक्कत ना हो. सही है मैम. तो एक बात तो बहुत साफ है कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, वो लूप होल्स भी जानते हैं, एडवांटेज जानते हैं, डिसएडवांटेज जानते हैं. और यहाँ पर बैठे लोगों को, यहाँ पर बैठे एस्पिरेंट्स को फंसाना इस जाल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दे नो द सिस्टम इन एंड अराउंड. इनकी अपनी अपनी जो राय थी उन्होंने, इन लोगों ने रखी है, बताया है इन्होंने कि अगर इनके हाथ में पावर आएगी तो वो कैसे इस पूरे इलाके का कायाकल्प कर देंगे, कैसे जो पूरी तस्वीर है वो बदलने की एटलीस्ट कोशिश तो ज़रूर करेंगे. वहीं इस पूरे मामले से जुड़े रहने के लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा. मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद.